Desi vibe. Desi vibe. She's got the vibe. हेलो एवरीवन, वेलकम टू देसी वाइब्स विद शहनाज गिल। आज मुझे ना मेरे अंदर जो एनर्जी है ना वो वाली है जब मैं बच्ची थी ना, वो वाली एनर्जी है दोबारा से आई। पता है क्यों? क्योंकि आज जो इंसान आ रहा है ना, कौन सा गाना है उनका जो हिट नहीं होता, मैं अभी आपको सुनाने लगूंगी ना तो मुझे वो सारे गाने आते होंगे, बट मैं सुना नहीं सकती क्योंकि राइट्स किसी और चैनल के पास होते हैं ना, तो हम क्यों अपने चैनल पे स्ट्राइक मरवाएं? गाइस, ये वो बंदा है जो देसी चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर गया है और रैप की दुनिया को एक नया मुकाम दिया है। नॉर्मल बातें भी गाने हो सकते हैं, वो हमने इनसे सीखा है। मैं इतनी ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे आज उनके साथ बैठ के बातें करने का मौका मिल रहा है। आज ना देसी वाइब्स में देसी कलाकार आने वाला है, आप बहुत इंजॉय करोगे। और आप सबको पता ही है देसी कलाकार कौन है? प्लीज वेलकम यो यो हनी सिंगर। यो 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 यो, व्हाट्स हैपनिंग? व्हाट्स हैपनिंग? यू गुड? ठीक हो जी? हाँ जी। कैसे हो? मैं बहुत मजे में, एकदम बढ़िया। प्रमोशंस चल रही है सुबह? बस हाँ जी, एल्बम बनाई है तीसरी 9 साल बाद, हनी 3.0, तो इसलिए आपके पास भी आए। मतलब मैंने पूछा ही नहीं पहले, कितने एक्साइटेड हो के मैंने गाना। मैं ऑलवेज एक्साइटेड, ऑलवेज एक्साइटेड। अच्छा, इतनी एक्साइटमेंट क्यों? जस्ट जनरल, 7 साल में काम नहीं किया बिल्कुल भी, आई वाज नॉट वेल एंड आई एम जस्ट कमिंग बैक टू लाइफ। आई एम हैप्पी नाउ, आई एम रिकवर्ड नाउ फ्रॉम माय थिंग्स, सो इट्स फन, इट्स जस्ट लाइक ओल्ड डेज। आई मेट माय ओल्ड ब्रदर ओवर हियर एज वेल। ये आपका ब्रदर है? ही इज माय ब्रदर। मैं पहचान लिया थानू? हां जी भाई, थैंक यू। 2 मिनट में पहचान लिया मैं थानू, सो इट्स फीलिंग लाइक आई एम होम, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्साइटेड। वाओ, एंड योर शो एज वेल। यस, देसी वाइब्स। आप बीमार हो गए थे? जी जी जी। तो 7 साल? हाँ, 5.5 साल तकरीबन। उसका आप मतलब जैसे बहुत सारा कंट्रोवर्सीज हुई थी जी जी, कि हनी सिंह आपसे बात कर सकते हो? हाँ, सब कुछ। ओके, जो तो मतलब बहुत कुछ रिहैब में है, तो आप मुझे रीजन बताओ कि सच क्या था। पहली बात तो ये कि मैं इंटरव्यूज कई सालों से करता ही नहीं आ रहा हूँ, अब मैंने पिछले 4 महीने से करने शुरू करे, और इस वजह से कुछ भी मेरे खिलाफ या कुछ भी मेरे लिए अच्छा जो भी सुनने में आया था वो छप जाता था और वो चल पड़ता था कि हनी सिंह ऐसा है, हनी सिंह वैसा है, हनी सिंह को ये हो गया, हनी सिंह को वो हो गया। एक्चुअली मैं 2012 से लेकर 2014 तक मैं सूखे नशे करने लग गया था शराब के साथ, और बहुत ज़्यादा, विच इज़ वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। तो वो मैं बहुत इंटेंस लेवल पे करने लग गया था। उस वक्त मैं शाहरुख भाई के साथ अमेरिका टूर पे भी था जब मेरे को एग्जैक्टली सब ये क्रैश हुआ, और मेरा एक शो था इंडिया रॉक स्टार, जो स्टार प्लस पे बहुत बड़ा शो मैंने डिज़ाइन किया था 1.5 साल की मेहनत से। लेकिन जब वो शो शुरू हुआ तब से मुझे साइकोटिक सिम्टम्स के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ, जो बहुत सीवियर स्टेज में होता है, और उसका भी मेरे को इंटेंस लेवल पे हुआ, और मेरा केस बहुत ख़राब था। डॉक्टर्स को 2.5 साल लगे समझने में कि इसको हुआ क्या है, और उसके बाद रिकवर करने में अब तक का तकरीबन मेरे को 6.5-7 साल लग गए। 2021 से लेके अब तक मैं बेटर हूँ, सिम्टम्स नहीं है, धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। दवाइयों की वजह से मोटा हो गया था, वापस फिटनेस पे काम किया मैंने, और तीसरी एल्बम भी लेकर आ गया। नाइस। एंड जैसे लोग कहते हैं इल्यूमिनाटी, मेरे को पता है हम जब भी देखते थे ना, हमें कहते थे अरे हनी सिंह ना इल्यूमिनाटी ऐसे ऐसे करते हैं, तो कहते हैं इन्होंने इल्यूमिनाटी छोड़ दी वो कंपनी जो है, तो इसलिए अब मतलब खत्म हो गया हनी सिंह, ऐसे मतलब बातें सुनने को मिलती थी। तो मैं सोचती हाई यार इल्यूमिनाटी क्या होता, मुझे पता ही नहीं था क्या है। तो कहते जो भी ऐसे करेगा ना तो वो इल्यूमिनाटी होता है, यहाँ से पता चलता है। अच्छा यार, अच्छा इसीलिए इतना हिट है ये बंदा। ठीक है, कल से रिक्शा वाले भी ऐसे करते हैं चलेंगे, सवारी ज्यादा बैठेगी। तो जैसे आपकी एल्बम है उसका नाम है 3.0, हनी 3.0, हनी 3.0, पहले 2.0, फिर 3.0, अब आएगी 4.0 भी आ जाएगी। तो आपने क्या आईफोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं भी आपके साथ अपग्रेड होता रहूंगा? अपग्रेड बाय चांस लाइफ कराएगी तो होते रहेंगे अपग्रेड, ये बाय चांस ऐसी नाम किसी ने दिया था मुझे, और जिसको मैंने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे समझ के कहा कि ये तीसरी जिंदगी है, दिस इज योर थर्ड लाइफ,
सो मैंने धीरे धीरे गाने बनाने शुरू करे पिछले साल सितंबर से। उससे पहले मैं खास काम नहीं कर रहा था, मन नहीं करता था काम करने का। और उसके बाद फिटनेस पे काम करना शुरू किया और एल्बम की प्रिपरेशन शुरू करी। तो फिर मैंने एल्बम का नाम ही हनी 3.0 कर दिया। ये मेरा थर्ड वर्जन है। मेरी पहली एल्बम थी इंटरनेशनल विलेजर, जिसमें गाना था ब्राउन रंग, अंग्रेजी भी, डोप शो, काफ़ी हिट हुए थे वो गाने। उसके बाद मैंने 2 साल बाद एल्बम करी थी देसी कलाकार। तो देसी कलाकार के बाद अब ये थर्ड एल्बम है, दिस इज माय थर्ड वर्जन। इट्स टोटली डिफरेंट मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, कुछ नया है कुछ पुराना। और देसी कलाकार में आपने 3 गाने आई थिंक वीडियो के साथ रिलीज, दो सिर्फ एक लव डोज और एक देसी कलाकार, yeah. तो मेरा फेवरेट तो रिलीज किया ही नहीं आपने, थाउजेंड माइल्स एंड स्टारडम, ये दो मुझे बहुत पसंद है। आपको करने चाहिए इसकी वीडियो। हाँ, अब तो चलो पुराने हो गए गाने, अब देखेंगे आगे दोबारा। लोग तो रीमिक्स करते रहते हैं पुराने चीजें। मेरा ब्राउन रंग रीमेक हो रहा है। ओके, ब्राउन रंग रीमेक हो रहा है, तनिष्क और मैंने किया है। किसी फिल्म में आ रहा है, मेरे को मालूम नहीं किस फिल्म में आ रहा है। आई थिंक पता नहीं किस फिल्म में आ रहा है वो। हाँ, व्हाटएवर, ब्राउन रंग आ रहा है, देर या लेना होगा, लो मेरा तो हिट है। तो आपने ना वो बीच में बोला था, मुझे बड़ा सेक्सी लगा था, आपने बोला मेरी सीडीज, मतलब खाली सीडी बेचूंगा तो भी बिकेगी। तो यार मैं ना बड़ी इंस्पायर होती हूँ इन चीजों से, तो मुझे बताओ मैं अगर खाली सीडी अपने नाम की बेचूंगी तो वो बिकेगी क्या? लेकिन वो बिक नहीं पाएगी क्योंकि आप चुप नहीं रह पाओगे ना। खाली रहेगी नहीं वो, खाली रहेगी नहीं क्योंकि ये सबको पता है कि शनाज चुप तो रह नहीं पाएंगी। ऐसा आपको भी पता है? मेरे को भी पता है, क्यों नहीं पता। बिग बॉस में कितना देखा आपको मैंने, उससे पहले से जानता हूँ मैं तो आपको। हाँ। पंजाब में आपने धूम मचा रखी थी, हर म्यूजिक वीडियो कुछ भी हो आपके बिना कुछ नहीं था। और उसके बाद इतना भी मत बोलो, नहीं था यार, था यार, इतने अच्छी खासी, देखो कितने अच्छे, बिना कुछ था ही नहीं, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी आपकी, यू वर वेरी मच फेमस ओवर देयर। मैं देख रहा था कब, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। और जब बिग बॉस में आया तो जो आपका असलीपन लोगों के सामने, इतनी फेमस थी तो आपने पहले गाने में क्यों नहीं अप्रोच किया, क्योंकि यू लाइक ब्राउन गर्ल्स, यू आर आल्सो ब्राउन, है ना? पता नहीं मेरे ना, जबकि मैं घूमने फिरने लगी हूँ ना बाहर धूप में, पहले तो मैं घूमती नहीं थी, तो मैं सन ब्लॉक, क्या बोलते हैं उसको, सनबर्न, नहीं यार, टैनिंग, फिट्टे मुंह यार, क्रीम होती, हाँ सनस्क्रीन, सनस्क रीन तो मैं लगाती नहीं। मुझे अब बोला है डॉक्टर ने सनस्क्रीन लगानी चाहिए, मेरी पूरी टैनिंग हो गई है। बट जब मुझे पता चला ना हनी सिंह, तो मैंने गाने तो सुनती रहती हूँ, उसमें अक्सर के वाइट लड़कियों पे तो मैं मरता नहीं, मुझे तो तुझे तो मैं तभी उठाऊंगा अगर तू ब्राउन है, तो वट एवर। तो मैंने कहा नहीं यार आज ब्राउन, थैंक गॉड ज्यादा ना मेकअप भी मेरा टैनिंग वाला ही करना, मैंने अपने उसको बोला, तो कहती ठीक है, तो मैंने कहा ही लाइक ब्राउन गर्ल्स एंड ब्राउन। मेरा देसी कलाकार एल्बम में भी एक गाना था, गाने का नाम था टैनिंग। हाँ सुना है मैंने, सब सुना है, सब आपको पता है, मैं छुप छुप के आपको ही सुनती हूँ। नहीं मुझे छुप छुप के ही सुन सकते हैं। तो जब आप मतलब लिखते हो तो मुझे पता है आपकी सोच क्या है पीछे, है ना? तो आप इतनी वो जो सोच है उसको इतने अच्छे से कैसे प्रेजेंट कर देते हो? बस सबके अंदर से ऑब्जर्व करता हूँ बातें, और सोसाइटी और यूथ जितना है, मेरी टीम में भी जो लड़के हैं, कोई 22 साल का है, कोई 24 साल का, कोई 28 साल का, सब नए जवान लड़के हैं। पहले जब मेरी उम्र छोटी थी, आज से 10 साल पहले मैं 28 साल का था, 30 साल का था, तो मैं उन्हीं लोगों में रहता था, ऑब्जर्व करता था। और जो सारी बातें थी वो लोकल बातें, देसी कलाकार में कह रहा हूँ मैं कि पैक कर थोड़ी रोटी ते पिंडी वो, लेकिन आई शॉट दैट इन हॉलीवुड विद हॉलीवुड क्रू। सो वो शुरू से मेरा थॉट यही था, चाहे मैंने डोप शॉप से शुरुआत करी थी अपनी एल्बम की, और आई शॉट इट वेरी बिग वे, बट बातें उसमें लोकल थी सारी। तो शुरू से ये थॉट लोगों में से ही निकला है, अपना कुछ नहीं होता। राइटर, राइटिंग ऐसी चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्टिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स में सबसे मुश्किल काम है, आप सीख सकते हो। सिंगिंग दूसरे नंबर का मुश्किल काम है, आप सीख सकते हो। तीसरे नंबर का मुश्किल काम है राइटिंग, आप नहीं सीख सकते। आप कोई इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे वर्ल्ड में राइटिंग इंस्टीट्यूट, इज नो इंस्टीट्यूट, आप तो राइटर हो खुद, आपको पता है। हाँ, इतना गंद लिखता है ना ये, और मुझे गालियां पड़ती है कि आप साफ करके बोल दिया करो ना। मैं कैसे साफ कर दूं, मैं तो खुद वैसी हूँ, उसके जैसी हूँ। पता
कैटेगरी सेम है ना, तो वो लिख देता है और बाद में जब कुछ ऐसे होता है कि यार ये क्या लिखा, ये नहीं बोलना चाहिए था, तो फिर मैं बोलती हूँ ये तो इसने लिखा, मैं सेफ साइड। तो आपका जैसे, अच्छा हाँ उससे याद है देसी कलाकार वाला जो गाना था, तो कुत्ते को नशे वाला बिस्किट भी किसी ने डाला था क्या? नहीं नहीं, वो ऐसी इमेजिनरी था, ऐसी थॉट था, लिखते वक्त लिख दिया, बोल दिया एक, क्योंकि मेरे ज्यादातर गाने मैं 3 मिनट का स्क्रीन प्ले लिखता हूँ। ब्लू आईज में अगर आप देखें, अगर मैं आपको गाना बिना वीडियो के दिखाता सुनाता तो आप कहते हैं ये क्या गाना है, घर पे चलना है या पहले जाएगी क्लब, मेरा मतलब घर के क्लब, तब लूंगा लेफ्ट नहीं तो राइट, आप लोगों ये क्या बकवास है। क्योंकि जब मैंने उसको शूट किया, उसको एक स्क्रीन प्ले की तरह प्रेजेंट किया, तब लोगों को समझ में आया। तो रोटी भिंडी की बात भी इस तरह, बिस्कुट वाली बात भी, इट्स जस्ट लाइक अ स्क्रीन प्ले राइटिंग इन 3 मिनट्स ऑन बीट। तो वो जो फ्रिज में स्टिकर, वो भी यार बड़ी रिलेटेबल बात है ना, क्योंकि जब आप किसी के साथ घूमने जाओ स्पेशली कुछ पर्सनल ट्रिप पे, तो लड़कियां ज्यादा इधर क्या करती है, अच्छा हुई इन सेंटा मोनिका, लेट मी बाय अ स्टिकर ऑफ सेंटा मोनिका, मैं अपने फ्रिज पे लगा के रखूंगी, हम यहाँ घूमने गए। तो मैंने वो शॉट भी दिखाया उसके अंदर। मतलब आप इतने ज्यादा कंजूस हो कि आप लड़की को भगा के तो लेकर जा रहे हो, आपने कहा स्टिकर भी ले आना, मैं वापस खरीद के नहीं दूंगा तुझे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मैंने उसमें लिखा है कि एक काम कर, खोल लॉक कर, कट पै है फिर लॉक कर। अब आप ये बोलोगे लड़का लड़की को भगा रहा है और पैसे क्यों निकलवा रहा है उससे, मैं सगल ले रहा हूँ, मैं पहले ही सगल ले रहा हूँ। हाँ। ये अपने पापा की तरफ से तेरा सगन हो गया, ये तू मेरे को देगी, ये तेरे मम्मी पापा की तरफ से। आपकी सोच है, लेकिन मेरी ये सोच है कि मतलब जब जाएगा तो पैसे भी तो होने चाहिए ना भागने, पैसे खुद बहुत है देसी कलाकार के पास, दूसरों के लिए नहीं है ना, वो दूसरे तो गाना सुन के भाग जाएंगे, भाग जाएंगे भगा लेंगे, बट वो आइडिया अच्छा है, जिसको भागना है तो पैसे निकाल के भागो। सॉरी गाइस आज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट आज थोड़ा बात भी ऐसी हो रही है जैसे घर पे नहीं रूम में करते हैं। same, same, same. तो जैसे आपने ब्लू आईज, आए मजा आ रहा है आपके गानों के बारे में बात करके, जैसे ब्लू आईज में आप वो लड़की जो है लॉलीपॉप कर रही थी तो वो जो लॉलीपॉप था वो आप घर ले आए थे? मैंने उसको दूसरा लॉलीपॉप दे दिया था नहीं, मैंने उसका लॉलीपॉप ले लिया था, उसको और दूसरा लॉलीपॉप दिया था, वो फेंक दिया था। अच्छी बात है, वो फेंक दिया। अच्छा एक चीज पूछनी है मुझे, जैसे ये थोड़ी इमोशनल है, थोड़ा हंसी कंट्रोल, जैसे मैं देखती हूँ कि आपके बहुत लोग जो स्टाइल कॉपी करते हैं, स्लैंग कॉपी करते हैं ना, स्वैग भी कॉपी करते हैं, तो आपको ऐसे नहीं लगता कि इतने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे क्रेडिट देते ही नहीं है? क्रेडिट के लिए कभी काम किया ही नहीं, अपने आप के लिए काम किया, अपने आप को खुश करने के लिए काम किया, किसी और को खुश करने के लिए काम नहीं किया। जो भी गाने ये बनाए कि ये गाना अगर मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो ही रिलीज करूंगा, तो ही शूट करूंगा। और शुरुआत में जब मैं पंजाब में था, जब मैं शिफ्ट हुआ पंजाब में 2007 में, 7 से लेकर 12 तक आई वाज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर ओवर देयर एंड अ राइटर, तो कई गाने हिट हुए, उसमें से दिलजीत की मैंने एल्बम करी थी, दिलजीत भाई की एल्बम करी थी मैंने, द नेक्स्ट लेवल पंगा, सो आई डिजाइन द होल एल्बम इन 1 ईयर, और मुझका उसका खास क्रेडिट नहीं मिला था, लेकिन मैंने कभी क्रेडिट के लिए काम ही नहीं किया। क्योंकि अगर आपके अंदर हुनर है तो आज नहीं तो कल आपको जो हुनर को परखने वाले लोग हैं या जो मौका देने वाले लोग हैं वो बुला लेंगे, तो थोड़ा सा सब्र जरूरी है। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, क्रेडिट के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बड़ा दिल है आपका, आपको पता है आपके पास कला है, आप लिख लोगे और ले जाओ जिसको लेना है, जो करना है, नहीं फर्क पड़ता। तू तो साड़ी केयर नहीं करता, बहुत अच्छा गाना था, अगर मैंने गाया होता ना तो मजा आ जाता। आपसे भी गवाएंगे। अच्छा वो जो 4 बोतल वोडका काम मेरा, मेरे को इतना ये चीज तो मेरे को पूछनी थी कि 4 बोतल वोडका आपका काम रोज का है? नहीं ना? रोज का नहीं था, वो क्या था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था और किसी वजह से थोड़ा सा उदास था, गुस्से में मैंने, मेरे साथ एक कोरियोग्राफर मेरा और एक डांसर था, और मेरे स्वीट में हम लोग बैठे रूम में, मैंने लैपटॉप खोला, एक बोतल पीनी शुरू करी, हम 3 लोगों ने 2 बोतल पीनी शुरू करी, मैंने बीट बनाई, 3री बोतल खत्म होने वाली थी, तो मेरे दिमाग में हुक लाइन आई 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। मैंने फोन पे वो गाना रिकॉर्ड किया, प्रोग्राम किया, उसको मिक्स किया, मैंने क्या किया, लोगों ने बोला हनी सिंह ने ये किया, हनी सिंह ने वो किया, ब्लू है पानी पानी आज ब्लू है पानी, स्टूपिड सॉन्ग जो गाना होता है, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, कोई गाना नहीं होता, बट नोबडी वॉज देयर डेयरिंग टू डू एनी स्टूपिडिटी इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, सो आई डिड अ स्टूपिड थिंग्स इन अ वेरी प्रोफेशनल वे अकॉर्डिंग टू मी, और आई ट्राइड माय बेस्ट and it worked.
बट जो चार बोतल वोडका है मैंने पी, हमने फिर पी ना तीन लोगों ने, तो आपको एसिडिटी नहीं होती? हम तो चाय का एक कप पीते हैं, हमें एसिडिटी हो जाती मुझे है। एसिडिटी की तो प्रॉब्लम थी, तभी तो शराब छोड़ी मैंने। ओ, आज ब्लू है पानी, हमने तो रोज हम देखते हैं वो ब्लू ही होता है पानी, और दिन भी सनी रोज ही होता है, तो आपको क्या उस दिन लग रहा था? वही तो कह रहा हूँ, स्टूपिड सॉन्ग। हाँ, इज अ स्टूपिड सॉन्ग बट वी बिलव्ड इट। आज भी हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, तीसरे नंबर का गाना है मेरा, वी बिलव्ड इट। रोज ब्लू है पानी पानी, रोज दिन है सानी सानी। हमने मैंने देखा एंड सुना भी कि आप अपने मॉम डैड को बहुत ट्रैवल भी कराते हो, आप हमेशा उनको इम्पोर्टेंस देते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है वो, है ना, तो उनके बारे में थोड़ा बताओ मुझे। बस कुछ नहीं, मेरे लिए तो भगवान है वो, और काफी वक्त, कई सालों के, जब मेरे शुरू में ही मेरे को 2005 में मेरा पहला गाना हिट हुआ था एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो उसके बाद से मेरे को जुनून आ गया था कि मुझे अब यही काम करना है। वो गाना बीबीसी वर्ल्ड चार्ट्स पे नंबर वन पे था, बट मेरे पास काम नहीं था। देन आई, आफ्टर टू इयर्स ऑफ वेरी बैड फेज फाइनेंशियली एंड इमोशनली, मेरे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं पंजाब शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर रीजनल इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी। और 2007 से मैं वहाँ शिफ्ट हुआ, 2012 तक मैंने स्ट्रगल किया, 2012 के बाद मैं कुछ बड़ा नाम हो गया, 2014 तक और बिजी हो गया। तो जब मैं क्रैश हुआ, जब मैं बीमार हुआ, जब मैं वापस अपने घर पहुंचा, तो मेरे माँ बाबाओं के पास पहुंचा, तो मैंने सोचा कि जब मेरी जवानी थी, जब मेरा सब कुछ था, तब मैंने इनको वक्त नहीं दिया, आज मैं इस हालत में इनके पास बैठा हूँ। तो तब मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ 2014 के बाद, और मेरे माँ बाप ने और मेरी बहन ने मेरी बहुत मदद करी इस बीमारी से 7 साल मेरे साथ जूझने में, जिस वजह से मैं बाहर आ पाया। तो आज मैं उनकी वैल्यू पहले से भी ज़्यादा करता हूँ, कि अगर ये लोग ना होते तो मैं तो खत्म ही हो गया था बिल्कुल। बट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि कई बार जो बुरा वक्त होता है ना, हमें बहुत कुछ सिखा के जाता बिल्कुल, है। बहुत कुछ। तो आपका बुरा वक्त जो है ना निकल गया है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आप फिर से बहुत काम करोगे और 3.0 बहुत बड़ी हिट होने वाली है। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपको ना एक बात शेयर करती हूँ। हाँ जी। मैं ना गोवा जा रही थी, फ्लाइट में थी, तो मेरे सामने वाली सीट पे मम्मी थी किसी की, और उसका छोटा बच्चा था, ठीक है, तो वो बहुत रो रहा था, ऊंची ऊंची बच्चा ना, बहुत ज़्यादा, रोई जाए, चुप ना हो, तो वो कहता गाना लगा हनी सिंह का। वो बाप रे, तो सच्ची बात है, मैं हैरान थी। तो वो कहती नहीं, चुप कर जाए, वो फिर ऊंची ऊंची और बोल रोने लगा, तो आपका गाना लगा दिया, लूंगी डांस। तो जब वो गाना लगा, वो बच्चे की आवाज ही नहीं आई बाद में, चुप करके सुन रहा था। ऐसा क्या, मतलब ऐसे क्या असर किया हुआ है आपने बच्चों को? पता नहीं, बस बच्चों ने पसंद किया, आई थिंक। और बच्चा पता कितना सा नहीं, बहुत, मैंने इस चीज को मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया। बच्चों ने चार बोतल वोडका तक बहुत पसंद किया, क्योंकि मैंने इंटेंशनली गाया भी ऐसे था, चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का, मैंने बड़े फन वे में उसको गाया था। क्रिटिसाइज भी बहुत हुआ था कि ये क्या प्रमोट कर रहा है बंदा। तो जो मेरी लाइफ रही है, मैं वो जिया हूँ, वो मैं लिखा हूँ, गाया हूँ, देखा हूँ, और वो प्रमोट किया। और फाइनली बच्चों का आई थिंक कुछ इनोसेंट कनेक्ट होता है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव से दूर होता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, व्हाट दे फील, दिस इज कनेक्टिंग टू द सोल ऑफ अ किड। मुझे लगता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव से दूर कुछ बनता है तो बच्चों को कनेक्ट हो जाता है। मुझे खुद कनेक्ट होता है। मैं खुद आपके जब गाने सुनती हूँ ना, वो चीज है गानों में, इंजॉय करो। बिल्कुल सही बात है। और आप कोई बात तो पूछ लो मुझे, आप पहली बार मिले हो मुझे। क्या पूछूं, बस आई होप आप ठीक हो, गुड हो। कपड़े धोने को तो नहीं ना बोलेगा मुझे कि धोएगी तो मेरे गंदे कच्चे। आपका कच्चा हमेशा गंदा क्यों हो जाता है? सबका गंदा होता है। और लड़की क्यों धोएगी, खुद नहीं धो सकती? मेरा नहीं धोएगी वो, मेरा नहीं धोएगी, मुझे छोड़ के गई है। हाँ, वो अपने खसम का धोएगी। नहीं, उस गाने का ये मतलब है। बट वो अभी भी टीवी में देखती है आपको? मुझे क्या पता, आई डोंट नो। गाइज, मैं आज की सबसे बड़ी न्यूज यही है कि मेरे से बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, रैपर, सिंगर, एक्टर भी बोलना है, दे दे और कोई क्रेडिट देना, और कुछ सब कुछ जो है वो मेरे से कुछ इंस्पायर हुए। आप मोटे से पतले कैसे हुए? डाइट एंड वर्कआउट सबसे इम्पोर्टेंट था, तो वो किया मैंने। डाइट किया आपने? हाँ, डाइट आज भी। कितना टाइम लगा? मेरे को 2 साल लगे तकरीबन 22 किलो कम करने में।
बहुत डिफिकल्ट है. हाँ, बहुत मुश्किल काम है. लेकिन आप पहले ज्यादा अच्छे लगते थे. मोटी? हाँ, मोटी नहीं थी. हाँ, परी. आई like it. मैं समझ सकती हूँ, बट पता क्या होता है. मैंने आपका इंटरव्यू देखा कि यहाँ पे काम नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते. अच्छा, गलत है, आप अपना रहो ना जैसे हो आप. बट पता क्या है, मुंह में तो मेरे भी बंदे का मन करता है, हाई ये भी खा ले, ये भी खा ले, बट क्या करें यार. ठीक है, चेंज करते रहे और क्या. चेंज करके बाद में 2 साल लगते हैं. वो बहुत डिफिकल्ट है. बट हाँ, कोई वैसा कैरेक्टर आएगा कि वहां मुझे मोटी होना पड़ेगा तो मैं कर सकती हूँ. बट हाँ, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो डेफिनेटली आएंगे. करें रैपिड फायर? जी जी बिल्कुल. 6-10 राउंड. 6-10. What is more important in your life, music or gym? Music. मैंने बताया था ना, यही बोलेंगे. Music. Which you enjoy the, which you enjoy the singing in studio or stage show? अच्छा. I don't sing on the stage. I scream on stage. I sing in studio. So there are 2 different things. I enjoy both of them. I like it. Which thing you think? Thing. Thing. आप देखो कि लिखा इधर आयो. ये क्या लिखा? Which think? चलो think. मुझे इंग्लिश आती भी है ना, तो ये लोग मेरे को इंग्लिश. अब जो लिखा मैं तो वही पढ़ूंगी ना. Which thing you like the more, flirting और सच्चा प्यार? Flirting, जो मुझसे करा जाए और जो मैं करूँ वो सच्चा प्यार. If somebody is doing flirting with me, I like it. But if I want to do something, that's true love. तो आपको प्यार में डालने के लिए लड़की को क्या क्या कर्म करने पड़े गए? वजन बढ़ाना पड़ेगा. और बस बोल रहे. अच्छा, वजन बढ़ाना पड़ेगा तुझे भी, मुझे भी, जितने पीछे खड़े वो भी सुन लो. विच फेस यू लाइक द मोर, मासी का लकी सी, माफिया मंडीर और हनी 3.0? हनी 3.0. मैं दसा हूं तुसी, आपने क्यों बोला ये? क्योंकि आप स्मार्ट हो, आपको पता है माफिया मंडी तो सबने सुन लिया है. 3.0 ही बोलो. दिस इज न्यू मी. आई लाइक न्यू थिंग्स इन लाइफ, सो दिस इज न्यू. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, बिकॉज़ पुराना भी है इसमें स्टाइल, बट नवा भी बहुत कुछ है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. बट अभी हम सुनेंगे तो. हाँ, देखना, आपको शायद पसंद आएगा. नहीं, शायद क्यों आएगा. व्हिच इज योर ओन फेवरेट सॉन्ग, ब्राउन रंग या लुंगी डांस? ब्राउन रंग. वो तो सबका ही फेवरेट है. ऑप्शंस तो थोड़ी फ्लॉप हिट वाली दिया कर. व्हाट यू डू बिफोर गोइंग टू बेड, न्यू कॉम्पोजिशन और गर्लफ्रेंड से बातें? मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग. स्क्रॉलिंग, स्टॉकिंग. स्टॉकिंग हूम एवरीबॉडी. अच्छा, कि कौन कितने पानी में. नहीं, ऐसे ही फन. इंस्टाग्राम मैं था नहीं, जब मैं बीमार था तब इंस्टाग्राम आया. और कई साल तक मेरा प्रोफाइल भी एक्टिव नहीं था, ये सब था, तो मेरे लिए बहुत नया इंस्टाग्राम. और वहां से बहुत कुछ मिलता भी, बहुत कुछ मिलता है. अब वही जरिया रह गया. जब मैं दिल्ली में था और उससे बाद में मोहाली में था, तो मैं घूम पाता था, मिल पाता था लड़कों से, यारों दोस्तों से, और बातें नहीं निकलती थी. तो अब यही जरिया रह गया जिससे पता लगे कि आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं. क्योंकि मेरा मेन टारगेट अब 10 साल का गैप रहा है उस चीज़ में, तो जो जेंजी आ गई है, जो बच्चे पहले छोटे थे वो बड़े हो चुके हैं, और आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, स्कोप बहुत सारा है, बहुत सारा म्यूजिक है सुनने के लिए. तो उसमें अगर मुझे स्टैंड आउट करना है वापस से, ये स्ट्रगल है मेरी, तो उसके लिए मुझे आजकल जो चल रहा है वो किसी ना किसी तरह तो अपडेट रहना है ना. मैं उनके साथ घूम फिर तो सकता नहीं. तो यही है कि इंस्टाग्राम पे देखूंगी ये लोग करते क्या हैं, किस तरह की बातें सुनते हैं, किस तरह की बातें करते हैं. तो निकला होगा ना काफी बहुत कुछ. और म्यूजिक डायरेक्टर वैसे आपका कौन सा फेवरेट है? ए आर रहमान सर. तो ठीक है, बट आपके सॉन्ग्स तो बिल्कुल ही 360 डिग्री ऑपोजिट होते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. उनका गाना था रुकमनी रुकमनी शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, खिड़की में से देखो जरा, उसके अंदर अंतरे में था बाहों में है बाहें डाले, मीठी बातें होने लगी, खटिया भी धीरे धीरे खटखट होने लगी. रहमान सर ने गाया. रहमान सर का गाना है. बाबा सहगल ने गाया. Eat the groove was so crazy and I was just 12 year old at that time when I heard this. So ये सब सुन के बड़े हुए. बट मुझे आपकी एक चीज बहुत अच्छी लगी कि अभी तक आप कितने बड़े सुपरस्टार हो, बट जब लोग इंडस्ट्री में आते हैं वो फेक होने लगते हैं, फिल्टर लगा के आते हैं, बात करते हैं ना, पता होता है कि अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है.
तो आपका ये आपको डर नहीं लगता, मतलब कितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज तो आपकी क्या मेरे साथ भी कितनी जुड़ जाती है, वैसे ना कुछ किया हो तब भी जुड़ जाती है, तब भी। वो प्लेनेट प्लेनेट कोई उपाव पू होगा उसका भी हमें अभी तक किसी ने बताया नहीं, बट एक बात है, सच्चे दिल के हो कोई नहीं रोक सकता, यू विल ऑलवेज, जैसे प्लेन उड़ता है ना आपका करियर भी वैसे ही उड़ता है और उड़ता रहेगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करके, गुफ्तगू वाजिब सी बात है, वाजिब सी बात, बस हो गया खत्म, दैट्स इट, क्लोज इट ऑफ, यू आर ऑनली सिंग ऑन देसी वाइब्स बेबी, मेक सम फकिंग नॉइस, कुछ मैसेज दे दो 3.0 का। ओके, विच कैमरा, दिस कैमरा, यो यो इट्स योर बॉय योनी सिंह, मेरी तीसरी एल्बम हनी 3.0 आ रही है 15 अप्रैल को, पहला गाना आया है नागन, आई होप आपको पसंद आएगा, बहुत हरियाली है वीडियो में देखने को मिलेगी दोस्तों, सो कीप इट लॉक, कीप ब्लेसिंग, कीप लविंग, यो यो हनी सिंह एंड शनाज गिल इन द हाउस, मेक सम नॉइज, देसी वाइब विद शनाज गिल।